ऐसा करें ना, यहाँ खड़े मौसम ठीक है, धूंध नहीं है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह नाज़रीन और हाज़रीन, हमारा आज आखिरी दिन है नतिया गली में, तो मैंने कहा कि आप लोगों से नतिया गली की ब्यूटी मज़ीद शेयर कर दूं। इस वक्त मैं खड़ा हूं जिस इलाके में, इसका नाम है मोचीडरा जी, और ये एबटाबाद से तकरीबन एक घंटा मैक्सिमम आपको लगेगा कि आप आएंगे। मेरे राइट साइड पे जो एरिया है वो अयूबिया और नथिया गली, डोंगा गली है, डोंगा गली जैसे कल हम गए थे और आपको वहाँ के मनाजिर भी दिखाए थे। इस वक्त बज रहे हैं 7:45 ऑलमोस्ट, सूरज निकलने का मंजर मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि यहाँ पे नेचुरल ब्यूटी जरा देखें। ऐसी नेचुरल ब्यूटी हमारी पाकिस्तान की काफ़ी सारी जगहों पर है, लेकिन हुकूमत की तवज्जो का मंजर है मुंतजर है। यहाँ पे हुकूमत ने अच्छी खासी डेवलपमेंट की है, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आपको सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल हो सकती हैं और हैं भी। लोगों का रश इंतहाई ज़्यादा है क्योंकि आजकल गर्मियाँ कुछ ज़्यादा हैं इस दफ़ा, तो इस वजह से इस्लामाबाद के लोगों का स्पेशली वीकेंड पे यहाँ पे इतना रश होता है, इतना रश होता है। लेकिन उसमें एक मज़ेदार बात यह कि अपने साथ टेंट भी साथ लाते हैं, जिसमें ज़रूरी नहीं है कि आप होटल में ठहरे, वो टेंट में ही रातें वीकेंड स्पेशली गुजार देते हैं, तो हफ्ता और इतवार वो यहाँ पे गुजारते हैं। इस्लामिक बैंकिंग पॉइंट जो आपको यहाँ पे बताना था वो ये है कि इस्लामिक बैंकिंग को सबसे बड़ा चैलेंज जो आ रहा है वो खुद बैंकर्स हजरात से या खुद जो फ्रंट ऑफिसर हैं इस्लामिक बैंक के उनसे आता है, तो उसके लिए क्या किया जाए। तो उसका सबसे बेहतरीन सोल्यूशन एक तो ट्रेनिंग है कि जो फ्रंट डेस्क ऑफिसर है वो उनको ट्रेनिंग दी जाए, लेकिन उससे भी बढ़कर ये कि इस्लामिक बैंकिंग को एज जॉब नहीं बल्कि एज रिलीजियस रिस्पॉन्सिबिलिटी कंसिडर किया जाए। जब भी हम इसको मजहबी एक अपनी जिम्मेदारी समझेंगे जब भी, तो उसमें ना तो हमसे कोई कोताही होगी ना हम कोई कोताही करेंगे उसमें। हाँ हो जाएगी तो उस पर इस्तग़फ़ार पढ़ सकते हैं, लेकिन इस्लामिक बैंकिंग जब तक हम इसको एक मजहबी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे तब तक इस्लामिक बैंकिंग का फ़रोग़ बहुत मुश्किल से, और इसी तरह ही हम चैलेंजेस फेस करते जाएंगे। ये तो इसलिए आपको मैसेज ये देना था कि अगर लेट सपोज आप समझते हैं कि अपना रोल प्ले करें तो और कुछ भी नहीं कर सकते या जॉब नहीं है या कुछ भी नहीं है, तो एटलीस्ट उसको सपोर्ट किया जाए। और सपोर्ट आप ज़रूरी नहीं है कि आप उसके लिए आवाज़ बुलंद करें, सपोर्ट इसलिए भी है कि कम अज़ कम जो इसमें लगे हुए हैं, जो इस फील्ड में लगे हुए हैं, उनके लिए आप कुछ जिस तरह भी कुछ कर सकते हैं उनके सपोर्ट के लिए, कम अज़ कम उनके साथ ही जुड़ जाएं, तो ये भी इस्लामिक बैंकिंग के लिए आप अपना रोल प्ले कर सकते हैं। ये तो था इस्लामिक बैंकिंग पॉइंट। यहाँ पे मेरा कैमरामैन फिर व्यू दिखा दे, ये पूरे का पूरा आपको नतिया गली का इलाका, जो नीचे घर है, नीचे कोई होटल नहीं है, ये सारे पर्सनल घर हैं। और यहाँ पे मुझे पता चला कि लोगों ने बाकायदा घर बनवाए हैं सिर्फ और सिर्फ सीज़न के लिए, तीन तीन चार चार महीनों के लिए यहाँ आते हैं और वो यहाँ पे सीज़न यानी गर्मियों का सीज़न गुजार के यहाँ से जाते हैं। बहुत ही खूबसूरत इलाका है, मस्ट विज़िट प्लेस, मस्ट विज़िट। हाँ, लेकिन जिनको सांस का प्रॉब्लम हो तो उनके लिए बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल थोड़ा सा नीचे हो जाता है क्योंकि बुलंदी काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए मैं उनके लिए ये जगह रिकमेंड नहीं करूँगा। उनके लिए स्वाद बुनियर धीर वो इलाके ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके कि वो नतिया गली आ जाए। इंशाल्लाह आपको मज़ीद भी अपडेट करते जाएंगे, मज़ीद कुछ खूबसूरत मनाजिर दिखाते जाएंगे। तब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।
सर साथ में से गुरु बना दा रहा था सड़े रखो अपने पास सूर्य बी लाख में कौन कौन होगा सर इस्लामिक बैंकर्स